देखिए क्या मिसरा का, निगाहों दिल की अब फाका कशी देखी नहीं जाती। बहुत अच्छा मिसरा है। मैं गुलजार साहब को जो आज के प्रोग्राम के नाजिम है उनको आवाज देना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी इसी तरह इसी जाविये को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाइए इधर को जो इफ्तार कर सके, अच्छा आ जाइए इधर को जो इफ्तार कर सके, मुद्दत से मेरी आंखें हैं रोजा रखे हुए। बहुत अच्छे। मैं गुजारिश करता हूँ आज के प्रोग्राम के नाजिम और हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत, अल्लाह ताला ने उनको बहुत खूबसूरत लहजे से नवाजा है, बहुत अच्छा मुताला है, बहुत अच्छे नाजिम हैं, लेकिन इसके साथ साथ में बहुत खूबसूरत शायर भी हैं। मुझे डॉक्टर एहतशामुल हक सिद्दीकी जो खतौली के हैं उनके चार मिसरे याद आ गए कि जमाने भर को सिखाई हमीने बखिया गरी, जमाने भर को सिखाई हमीने बखिया गरी मगर हमारे गरेबाही तार तार रहे। क्या कहने, जमाने भर को सिखाई हमीने बखिया गरी मगर हमारे गरेबाही तार तार रहे, किसी की प्यास को गिरवी नहीं रखा हमने, समंदरों के हमारे भी कारोबार रहे। बहुत अच्छा। मैं गुजारिश करता हूँ गुलजार जिगर साहब से आए और निजामत के फराइज तो अंजाम दे चुके, अब जो शायरी के जो फर्ज है उन पे वो भी अदा कर दें। देखिए दोस्तों आज का ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से और अपने तमाम शोरा हजरात की जानिब से हाफिज हारून साहिब को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि ये हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और आपकी आमद से मजीद इसकी रौनक में इजाफा हुआ। तो आइए शायरी लबो रुखसार या जुल्फ़ गिरागीर का ही नाम नहीं है, इसके और भी पहलू हैं और भी मौजूआत हैं जो जिंदगी की सच्चाइयों से वाबस्ता हैं, मंसूब हैं, समाज में क्या खामियां और क्या बुराइयां हो रही हैं। शायर पूरी दुनिया का दोस्त होता है, जो मंजर देख रहा है वो उसको रकम कलम बंद करके अवाम की अदालत में पेश कर देता है। तो आइए इसी मौजू और इसी उनवान से दो चार अशार मैं भी आप तक पहुंचाने की जसारत कर रहा हूं कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है। बहुत शुक्रिया। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है और मुकद्दर से पहुंचता है कोई ओझे सुरैया पर, मुकद्दर से पहुंचता है कोई इतनी बुलंदी पर, किसी को जिंदगी में बदनसीबी तोड़ देती है। किसी को जिंदगी में बदनसीबी तोड़ देती है और वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बेसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। और यही है शीशाए इज्जत इसे रखना हिफाजत से, यही है शीशाए इज्जत इसे रखना हिफाजत से, इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है। यही है शीशाए इज्जत इसे रखना हिफाजत से, इसे लालच की एक हल्की सी चुटकी तोड़ देती है। चलिए सुना दूंगा। अरशद जिया भाई फरमाइश कर रहे हैं, मैं दो तीन शेर ये बाकी रह गए इसके कि कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है और है मुफलिस बाप तो कब तक अनाम महफूज रखेगा। डॉक्टर साहब, है मुफलिस बाप तो कब तक अनाम महफूज रखेगा, जवां हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है। है मुफलिस बाप तो कब तक अनाम महफूज रखेगा, जवां हो जाए जब घर में तो बेटी तोड़ देती है और बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को, बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है। बहादुर बाप के मजबूत से मजबूत कांधों को गुजर जाए जवां बेटा तो अर्थी तोड़ देती है और बहुत सो को बुराई भी यहां पर कुछ नहीं कहती, बहुत सो को बुराई भी यहां पर कुछ नहीं कहती,
बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है, बहुत ऐसे भी हैं जिनको भलाई तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी की गरीबी तोड़ देती है। तो दो चार शेर में और पढ़ दूं, तहती में पढ़ता हूं, मैं वक्त ज्यादा नहीं लेता। फिर हमारे डॉक्टर साहब जो मसनद सदारत पे जलवा अफरोज हैं, इनको बहुत जम के हमें सुनना है, क्योंकि इनकी हाजिरी और इनकी शमूलियत से इस मुशायरे का जो वकार बढ़ा है, उसके लिए भी हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ पल हमारे लिए निकाले और इस प्रोग्राम की जीनत में इजाफा किया। तो दो चार शेर मैं, कि चोट जो दिल पर लगी है उलझनों तक जाएगी, चोट जो दिल पर लगी है उलझनों तक जाएगी, खिलवतों तक, आंसुओं तक, हिचकियों तक जाएगी, और जब नजर उठेगी दीवाने की तो फिर देखना खिड़कियों तक, चिलमनों तक, कंगनों तक जाएगी। जब नजर उठेगी दीवाने की तो फिर देखना खिड़कियों तक, चिलमनों तक, कंगनों तक जाएगी, और जब नजर उठेगी दीवाने की तो फिर देखना खिड़कियों तक, चिलमनों तक, कंगनों तक जाएगी, और जब निकल जाएगी बाहर बात घर के राज की, जब निकल जाएगी बाहर बात घर के राज की, दोस्तों तक, हासिदों तक, दुश्मनों तक जाएगी। जब निकल जाएगी बाहर बात घर के राज की, दोस्तों तक, हासिदों तक, दुश्मनों तक जाएगी, और हाफिज़े कुरान के कदमों से जो उठेगी धूल, हाफिज़े कुरान के कदमों से जो उठेगी धूल, रहबरों तक, काफिलों तक, मंजिलों तक जाएगी, रहबरों तक, काफिलों तक, मंजिलों तक जाएगी। और ये है ये सदाकत का दिया है और इसकी रोशनी, ये सदाकत का दिया है और इसकी रोशनी, गाफिलों तक, आंधियों तक, जुल्मतों तक जाएगी, और उसकी रहमत की अगर बारिश है तो फिर खुद ब खुद आंगनों तक, बस्तियों तक, जंगलों तक जाएगी। उसकी रहमत की अगर बारिश है तो फिर खुद ब खुद आंगनों तक, बस्तियों तक, जंगलों तक जाएगी, और आह निकलेगी अगर मजलूम के दिल से कभी, आह निकलेगी अगर मजलूम के दिल से कभी, धरतियों तक, बादलों तक, अंबरों तक जाएगी, धरतियों तक, बादलों तक, अंबरों तक जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।